नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है पटियाला, इनके द्वारा हाल ही में ADO जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पद के लिए नई वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आप इस वैकेंसी डिटेल को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है। और ये देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट 200 पोस्ट है ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप ए में। उसके पहले आ जाता है आपका इंट्रोडक्शन और यहाँ पर पोस्ट दिखाई गई है। कुछ नोट है, द एडवर्टाइजमेंट इज बीइंग पब्लिश एज रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बाय लेटर नंबर इतना। और अब आ जाती है आपकी नंबर एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट। तो ये कैटेगरी कोड है, कैटेगरी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और पोस्ट रिजर्व फॉर वोमेन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 200 पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप ए इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट पंजाब इन ईयर ऑफ 2022। तो ये अलग अलग है, यहाँ पर 200 टोटल यहाँ पर पोस्ट है। और आपकी जो ये पोस्ट है, ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं पे लेवल 44,900। उसके बाद आ जाती है आपकी क्वालिफिकेशन, यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर में मांगी गई है। विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके और शुड हैव पास पंजाबी ऑफ मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड। उसके बाद आ जाता है नोट, द कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन बिफोर बाय 29/12/2022, इससे पहले आपने कंप्लीट ये कर ली हो। उसके बाद एज है कम से कम 18, अधिक से अधिक 37 वर्ष, 1/1/2022 के अनुसार। अपर एज में देख सकते हैं यहाँ पर 45 ईयर है। और ये आपके जो SC या BC वाले जो उनके लिए 42। उसके बाद आ जाता है आपका पैटर्न एंड स्कीम जो एग्ज़ाम है और फॉर सिलेक्शन। तो सब्जेक्ट देख सकते हैं आप, रिटन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 120 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 4 नंबर का है तो 480 यहाँ पर हो जाते हैं। इंटरव्यू है 60 नंबर का, तो टोटल है 540। उसके बाद आ जाता है आपका पैटर्न रिटर्न एग्ज़ाम क्या कुछ है, इसमें देख सकते हैं 120 क्वेश्चन, 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट पार्ट ए सिलेबस में 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 का है तो 400। उसके बाद क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जो कॉग्निटिव एप्टीट्यूड है पार्ट बी वाला, तो इसके 20 हैं, 120 और 480। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। और एक और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाती है, देर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन इन द रिटन एग्जामिनेशन फॉर क्वेश्चन रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। और ये आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम है। और उसके बाद आ जाता है आपका सिलेबस, मोड ऑफ एग्ज़ाम, द एग्जामिनेशन इज पेन एंड पेपर बेस, आंसर ऑन दी स्पेशली डिजाइन मशीन गेरेबल ओमार सीट यूजिंग बॉल पॉइंट पेन। उसके बाद आए इंटरव्यू, उसके बाद है फाइनल रिजल्ट और यह आ जाता है आपका यहाँ पर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म और
लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 29/12/2022, तो 29 तारीख आपकी लास्ट डेट है। और ये शेड्यूल फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फीस एंड एग्जाम फीस बाय यूजिंग ऑनलाइन मोड पेमेंट, तो ये 9 तारीख है, 9 तारीख से आपके जो है फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 30 तारीख ये लास्ट डेट है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर आपकी ये फीस, तो फीस देख सकते हैं आप इसमें जो एक्सेल्समैन ईडब्ल्यूएस वाले हैं, पीडब्ल्यूडी है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है, एग्जामिनेशन जो फीस है एग्जामिनेशन फीस वो कोई नहीं है, टोटल 500। उसके बाद एससी शेड्यूल बैकवर्ड वाले हैं, इनके 500 प्लस 250 एग्ज़ाम 750 रुपये, और आला दर के हैं 1500 रुपये। और ये आपका यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाए इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। और जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे कुछ इस तरीके का आपके पेज सामने आएगा, और यहाँ पर जो आपको ये वाला ऑप्शन एक दिखाई देगा ओपन एडवर्टाइजमेंट, इसी में आपकी ये वैकेंसी आई है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आप सामने जाए वैकेंसी वाला पेज आ जाएगा, तो ये सारी जाए यहाँ पर डिटेल इसमें दी गई है। अगर आपने पहले जा कभी फॉर्म ना फिल किया हो तब भी आप इसमें देखकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सारी प्रक्रिया जो है इसमें पहले ही यहाँ पर दे दी गई है कैसे कैसे आपका फॉर्म ये फिल होगा। और इस वीडियो के बाद हम जो आपको उस पेज पर भी लेकर चलेंगे जहाँ से आप जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एनेक्सरे वगैरह हैं यहाँ पर और आप इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद ये स्क्राइब वाला था, तो जो जिस के भी एनेक्सर के आपको जुड़ता है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर सिलेबस, ये पार्ट वन में देख सकते हैं आप क्या क्या पूछा जाएगा वो देख सकते हैं आप। उसके बाद ये पार्ट बी है जनरल नॉलेज रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में क्या कुछ आएगा, तो ये आपका सिलेबस है। और अब हम साइट पर वापस चलते हैं, तो अब जब इनकी जो मेन जो वेबसाइट है हम इस पर आ चुके हैं, तो ये वाली वेबसाइट आपके सामने आएगी और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसमें आपको यहाँ पर साइड में जाइए ऑप्शन दिखाई देगा ओपन एडवर्टाइजमेंट वाला, ये आपको दिखाई देगा और इसी के ऊपर जा फिर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये भी आपको एक नए पेज पर लेकर आएगा, तो ये वाला पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पर भी आप इसमें देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर ये अप्लाई और व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपकी ये पब्लिश डेट वगैरह है, क्लोजिंग डेट वगैरह दी गई है। और ये अप्लाई व्यू जो आपने करना होगा, करने के बाद जो आपको दोबारा से एक नए पेज पर ये लेकर आएगा, ये वाला पेज आपके सामने आएगा और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पर इसमें दिया गया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये अप्लाई ऑनलाइन है, यहाँ से गाइडलाइन वगैरह है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, और इसमें फॉर्म में कोई एडिट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऊपर फिर आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना होगा। और जैसे जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नए पेज पर लेकर आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, आपने इनको पढ़ लेना है और
उसके बाद यहाँ से अंडरस्टूड कर देना है। तो ये आपका फॉर्म यहाँ से भरना शुरू हो चुका है, तो ये डिटेल जो आपने यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक डिटेल फिल करनी है, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पेज आएगा इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी, कैटेगरी डिटेल, क्वालिफिकेशन और अदर डिटेल। तो इस प्रकार से आपने ये सारे कॉलम जो फिल करने होंगे बारी बारी से। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म भी अपना ये फिल कर सकते हैं। और ये हाल ही में एक नई वैकेंसी PPSC के द्वारा जारी की गई है। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।